मुझे याद है जब मैं लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा था तो लिटरली आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बींग फायर्ड. मेरे को मेरे मैनेजर ने कहा कि भैया तुम काम वाम नहीं कर रहे हो, कोई आउटपुट नहीं है आपकी, आप पैसे पकड़ो बाहर बाहर चलो यहाँ से. तब मेरी समझ में आई कि जिंदगी में बाहर कुछ नहीं बदलता, जब अपनी सोच बदल जाती है तो दिशा बदल जाती है. किसने बहुत अच्छी बात कही है, नज़र बदली तो नज़ारे बदले, कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदले. तो बाहर कुछ नहीं बदला, यहां अंदर बदला तो जिंदगी का रुख बदल गया एकदम. खैर उसके बाद मेरी आउटपुट बहुत बढ़ गई एंड आई गॉट इनटू 3 बिजनेसेस और कुछ कंपनी भी खरीदी वहां पर मैंने उन लोगों को. बट उस हादसे से मैंने एक चीज सीखी जिंदगी में, वो ये है, मैं तो कमीशन पे था क्योंकि अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेचूं तो मुझे कुछ नहीं मिलता था. लेकिन वहां पे मैंने कई देखे लोग जो सैलरी पे थे, तनख्वाह मिलती थी साहब उनको, लेकिन काम नहीं करते थे वो लोग. हम नहीं करेंगे तो साहब हमको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन उनको तो तनख्वाह मिल रही थी तो काम नहीं कर रहे थे. लेकिन साहब तब मेरी समझ में आई जिंदगी में पैसा बनाने में और पैसा कमाने में बहुत फर्क होता है. हेलो, अरे पैसा बनाना अपराध है, पैसा बनाना क्रिमिनल है, पैसा कमाना स्पिरिचुअल है भाई. पैसा बनाना चोरी है, पैसा कमाना ईमानदारी है. आज लोगों की समझ आनी चाहिए कि तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है. तनख्वाह ले रहे हैं साहब, काम नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं करें तो और क्या कर रहे हैं. ये गैलप एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका में, उसका एक सर्वे हुआ, ग्लोबल सर्वे. उन्होंने कहा कि 63% लोग जो काम करने जाते हैं दे आर डिसएंगेज. डिसएंगेज मीन्स अपना नहीं समझते, ये मीन्स काम नहीं करते. 63% लोग जो काम पे जाते हैं दे डोंट डू देयर जॉब, अपना काम नहीं करते साहब. और एन एडिशनल 24% आर एक्टिवली डिसएंगेज्ड, मतलब वो दूसरों को भी अपना काम नहीं करने देते, दे मेक श्योर दूसरा भी अपना काम नहीं करेगा. दैट लीव्स, सिर्फ छोड़ता है सिर्फ 13% लोग जो काम पे जाते हैं ईमानदारी से काम करते हैं. सिर्फ 13%, ओनली 13% ऑफ पीपल जो काम पे जाते हैं ईमानदारी से काम करते हैं साहब. अब बताइए क्या ये ईमानदारी का इशू है कि नहीं है? इज इट नॉट ए इंटेग्रिटी इशू? इसका मतलब क्या हुआ? तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है. वेजेस विदाउट वर्क अमाउंट्स टू स्टीलिंग, बिकॉज यू टेक नो ओनरशिप. इंसान ओनरशिप नहीं लेता है साहब. एक एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को खाली एक पेचेक के रूप में देखता है, अरे पैसे आ रहे हैं, बात खत्म हो गई. वो कभी अच्छा इंसान बन नहीं सकता साहब, काम कभी नहीं काम करेगा. अपनापन नहीं है साहब. आपने कितनी बारी देखा होगा, कभी कोई चीज खरीदते हैं आप एक दुकान से और कोई गड़बड़ हो जाती है तो वापस दुकानदार के पास जाते हैं वहां पे और आप चिल्लाते हैं वहां पे, उसके ऊपर गुस्से होते हैं. जानते हैं दुकानदार क्या कहता है? कहता है साहब मेरे पे क्यों बिगड़ रहे हो, मैं तो खाली नौकरी करता हूं भाई. नहीं सुना आपने? साहब मेरे पे क्यों बिगड़ रहे हो, मैं तो खाली नौकरी करता हूं. जो इंसान ये कहता है मैं तो खाली नौकरी करता हूं, क्या कह रहा है? मेरे को यहां पर कोई अपनापन नहीं है साहब, मैं तो खाली पेचेक के लिए आता हूं साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई हैव नो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, मेरी बिलोंगिंग यहां नहीं है साहब. आपको एक उदाहरण देता हूं. 40-45 साल पुरानी बात है, अमेरिका में हर लेबरर्स कुछ काम कर रहे थे.
धूप थी काफ़ी, तो इतने में एक लिमोजीन आई, बहुत बड़ी गाड़ी, और उसमें कंपनी के प्रेसिडेंट थे। तो उसने शीशा नीचे किया और आवाज़ लगाई, स्टीव इधर आओ। तो स्टीव काम हम छोड़ के उसके पास चले गए, लिमोजीन अंदर बैठे, थोड़ा ठंडा पानी पिया, बातचीत की। बातचीत करने के बाद लिमोजीन निकल गई और स्टीव वापस अपना लेबरर्स के साथ अपना काम कर रहे थे। तो बाकी जो उसके कोलीग्स थे बहुत इम्प्रेस हो गए कि साहब आप इनको जानते हो भाई, ये तो बड़े साहब हैं, तो ही इज़ अ प्रेजिडेंट ऑफ द कंपनी है ये तो। तो स्टीव कहता है कि भाई ऐसा है, मैं सिर्फ इसको जानता ही नहीं हूँ, लेकिन बल्कि ऐसा है कि 30 साल पहले हम दोनों ने एक कंपनी ज्वाइन की थी सेम डे पे, और नॉट ओनली सेम डे पे बट सेम पोजीशन पे भी ज्वाइन की थी। अब सब हैरान हो गए, साहब आपने सेम डे पे सेम पोजीशन पे ज्वाइन की, लेकिन वो आज मालिक बना हुआ है और तू आज भी बाहर मजदूर बना हुआ है, ये कैसे? तो साहब जो स्टीव ने जवाब दिया, अगर आज की शाम में हम लोग यही एक चीज ले जा सकें, आई थिंक दिस प्रोग्राम वुड हैव बीन वर्थ वाइल। स्टीव ने कहा कि देखिए 30 साल पहले मैंने काम शुरू किया $1.28 के लिए, इसने काम शुरू किया कंपनी के लिए। 30 साल पहले मैंने काम शुरू किया $1.28 के लिए, इसने काम शुरू किया कंपनी के लिए। साहब यू जी, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, तकरीबन ऐसी ही हिस्ट्री स्टोरी है जैक वेल्च की, जो जीई के चेयरमैन बने थे इवेंचुअली। दिस इज लिटरली द स्टोरी ऑफ जैक वेल्च। अब कोई कहे साहब कि ये सब ऐसी चीजें अमेरिका में हो सकती हैं, इंडिया में नहीं हो सकती। आपको उदाहरण देता हूं इंडिया का। कोई 5-6 साल पहले मैं एक सज्जन से मिला, वो आर्मी से रिटायर होके अर्ली रिटायरमेंट ले ली उन्होंने, तो अपना बिजनेस शुरू किया। अब कुछ ही सालों में तकरीबन 1,000 करोड़ की टर्नओवर करने लगे वो। तो एक दिन उनके कोई दोस्त आए जो उनके साथ आर्मी में थे, उन्होंने भी अर्ली रिटायरमेंट ली थी, वो बेरोजगार थे साहब, काम खोज रहे थे। तो इनके पास आए कि भैया मैं तुम्हारे पास काम कर सकता हूँ? बोले क्यों नहीं, मैं तो तुमको जानता हूँ 30 साल से। खैर काम शुरू किया उसने। एक दिन दफ्तर बंद हुआ, सब घर चले गए, तो ये दोनों दोस्त वहीं पे थे। तो जो काम कर रहा था यहां पे, मालिक से कहता है, ओनर से, कि तुझे याद है हम दोनों ने फौज इकट्ठे ज्वाइन की थी 30 साल पहले, याद है? बोले बिल्कुल याद है। कहता है कि तुझे भी 1,000 रुपए मिलते थे, मुझे भी 1,000 रुपए मिलते थे, याद है? बोले बिल्कुल याद है। कहता है कि तू भी नौकर था, मैं भी नौकर था, याद है? बोले हाँ बिल्कुल याद है। कहते देख आज 30 साल के बाद मैं आज भी नौकर हूं, तू 1,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है, इसी को तो कहते हैं किस्मत। यस नो हेलो, इसी को तो कहते हैं किस्मत। सब जो जवाब उस आदमी ने दिया, फैक्ट्री के मालिक ने, अगर आज की शाम से यही एक कुछ ले जाएं, तो आई थिंक बहुत कुछ ले जा पाएंगे यहां से। साहब उसने जवाब ये दिया, कहता है मैं ये बात करना नहीं चाहता था, लेकिन तूने बात छेड़ी तो आज मैं इसका जवाब तुझे जरूर दूंगा, और तुझे कड़वा लगे वो तेरी सिरदर्दी, दैट इज योर प्रॉब्लम, पर ध्यान से सुन। कहता है मैं तुझे 30 साल पुरानी एक बात याद दिलाना चाहता हूं। एक दिन हम पूरा दिन दफ्तर में काम करके रात को 9:30 बजे बैरक्स पहुंचे सोने के लिए, और जब 2 मील चल के आए थे हम,
और जब हम बैरक्स पहुंचे तो अचानक मेरे दिमाग में बात आई, याद आया, ओहो दफ्तर में बत्ती और पंखा बंद करना तो हम भूल गए। तब तूने क्या कहा था? तूने कहा था टाइम नहीं देखते, 9:30 बज चुके हैं, कौन जाएगा वापस? 2 मील कौन आएगा? 2 मील 10:30 बज जाएंगे, क्या हमने काम नहीं किया? और तूने मुझे कहा कि भाई तू क्यों परेशान होता है, एक ही तो बत्ती है, काहे परेशान हो रहे हो, एक ही तो पंखा है, और फिर काहे परेशान हो रहे हो भाई, एक ही रात की तो बात है भाई, और तुम परेशान काहे हो रहे हो, अपना थोड़ी है सरकारी है। और तूने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं सो गया, तू सोने चला गया, और मैं वापस गया और बत्ती पंखा बंद करके आया, कहता अब ध्यान से बात सुन तू, 30 साल पहले हम दोनों ने फौज ज्वाइन की थी सेम डे, बिल्कुल ठीक कहा तूने, अरे तुझे भी 1000 रुपए मिलते थे, मुझे भी 1000 रुपए मिलते थे, बिल्कुल ठीक कहा तूने, तू तब भी नौकर था आज भी नौकर है, बिल्कुल ठीक कहा तूने, फर्क ये है मैं 30 साल पहले उस रात को भी मालिक था, आज भी मालिक हूं साहब, मैं उस रात को भी मालिक था, आज भी मालिक हूं, और जैसी सोच तेरी है तू मरेगा भी नौकरी। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसने गलती नहीं की, तो ऐसे इंसान को जानते हो जिसने कभी कुछ किया ही नहीं। साहब याद रखिएगा, गलती करना पाप नहीं है, एहसास होने के बाद उसको दोहराते रहना पाप जरूर है। यस नो।